हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फाइल्स में। आज हम आपको बताने वाले हैं मोहम्मद जुबैर कौन है, तो इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था, चलिए जानते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुबैर फिलहाल दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है, उन्हें आज फिर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ओल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार ट्विटर हैंडल से जून महीने में शिकायत मिलने के बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद जुबैर ने एक विशेष धर्म के भगवान की जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी। उनके ट्वीट को रीट्वीट किया जा रहा था। उनके अनुयायियों व सोशल मीडिया संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर ट्वीट को फैलाना शुरू कर दिया। तो चलिए जानते हैं कौन है जुबैर। जुबैर बेंगलोर के रहने वाले हैं और उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी का पैरोडी फेसबुक पेज चलाकर प्रसिद्धि हासिल की है। उन्होंने फेसबुक पर शिकायत दर्ज कर फर्जी अकाउंट को डिलीट करने का अनुरोध किया था। उस समय जुबैर एक आईटी कार्यकारी के रूप में काम करते थे। इसके बाद साल 2017 में जुबैर ने प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर ओल्ट न्यूज को फैक्ट चेक वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही दोनों अपने कथित पक्षपात के लिए लगातार आलोचनाओं के घेरे में आ गए। जुबैर अक्सर अपने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर पुलिस के निशाने पर आ चुके थे। पिछले साल जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा 6 अगस्त 2020 को उनके द्वारा साझा किए गए एक ट्वीट का हवाला देते हुए एनसीपीसीआर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। जुबैर ने अपने विवादास्पद ट्वीट में एक ऑनलाइन झगड़े के दौरान एक नाबालिग लड़की की उसके पिता के साथ हो रही भेष की तस्वीर साझा की थी। मोहम्मद जुबैर दक्षिणपंथी समूहों, भाजपा और मीडिया चैनल के खिलाफ लगातार लिखते हैं, बोलते रहते हैं, मीडिया चैनल की खबरों की आलोचना करते हैं। पिछले साल 26 मई को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर एक निजी समाचार चैनल की एक बहस की आलोचना करते हुए कहा था कि बहस में प्रवक्ता को बुलाने की क्या जरूरत है, यह काम तो हमारे एंकर ही कर रहे हैं। नुपुर शर्मा मामले में भी जुबैर पर आरोप लगाया गया था। मोहम्मद जुबैर पर टेलीविजन शो में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए वीडियो को एडिट कर साझा करने का भी आरोप लगा है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने जुबैर के खिलाफ देश के कई हिस्सों में धार्मिक भावनाएं आहत करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कराया था। सोमवार को मोहम्मद जुबैर को पूछताछ के लिए द्वारका स्थित IFSO के कार्यालय बुलाया गया था। पूछताछ में उसके ट्वीट को आपत्तिजनक पाया गया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 153 ऐसा कार्य जिससे माहौल बिगड़ने और उपद्रव होने की आशंका हो, और धारा 295 जो कि किसी समाज द्वारा पवित्र माने जाने वाली वस्तु का अपमान करना के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है आरोपी न पूछताछ में सहयोग कर रहा है और न ही अपना मोबाइल व लैपटॉप दे रहा है। मोबाइल व लैपटॉप की जाँच के बाद पता लगेगा कि आरोपी ने विवाद इस पर ट्वीट कब किया था और अभी तक कितने ट्वीट किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।